हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एबीसी बॉयलर में वाटर और स्टीम का सर्कुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए एक बीएफपी है, बॉयलर फीड वाटर पंप, जो डिरेटर से पानी को खींचता है और बॉयलर फीड लाइन से फीड कंट्रोल स्टेशन से पास होकर वो इकोनोमाइजर में जाता है। फिर ये इकोनोमाइजर से डायरेक्ट स्टीम वाटर ट्रम को जाता है। स्टीम वाटर ट्रम में वाटर जो है वो बॉटम रिंग हेडर, वाटर वॉल पैनल, बेड कॉइल और टॉप रिंग हेडर को फिर राइजर ट्यूब से होकर वो सैचुरेटेड स्टीम ट्रम में चला जाता है। अब यहाँ स्टीम ट्रम में ये सैचुरेटेड स्टीम होता है, वो सैचुरेटेड स्टीम ड्रम से निकल के स्टीम लाइन से होकर वो कन्वेक्शन सुपर हीटर, जिसे प्राइमरी सुपर हीटर भी कहते हैं, उसमें चला जाता है। फिर ये रेडियल सुपर हीटर में चला जाता है। यहाँ पे जो स्टीम होती है वो सुपर हीटेड स्टीम होता है और ये सुपर हीटर स्टीम मेन स्टीम लाइन से स्टीम टर्बाइन को भेजा जाता है। यहाँ पे कन्वेक्शन सुपर हीटर और रेडियल सुपर हीटर के बीच यदि लाइन में मेन स्टीम टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे वाटर का स्प्रे करते हैं, उसके लिए एक डी सुपर हीटर लगाया जाता है, जिसे टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है उसको ऑपरेट करके यहाँ पे वाटर का स्प्रे किया जाता है। तो इस तरह से ये एबीसी बॉयलर में वाटर और स्टीम का सर्कुलेशन होता है। धन्यवाद।